मैं भारत का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं भारत के चार धाम में से एक हूँ। मैं भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित हूँ। मैं ही हूँ जिसे पौराणिक ग्रंथों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। मैं भारत के उन रहस्यमयी मंदिरों में से एक हूँ जिनकी रहस्य अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। मैं एकमात्र ऐसा मंदिर हूँ जहाँ भगवान कृष्ण उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों में स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। मेरे यहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण विराजते हैं। मैं वही प्रसिद्ध मंदिर हूँ जहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। मैं वही मंदिर हूँ जो समुद्र के किनारे बसे होने के बावजूद मेरे अंदर समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती। मैं वही मंदिर हूँ जिसके गुंबद पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और साथ ही मेरे ऊपर से भी नहीं गुजरता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मेरे शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें, आपको लगेगा कि उसका मुंह आपके सामने है। भगवान जगन्नाथ के प्रताप से मेरे यहाँ कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती और मेरे यहाँ प्रतिदिन हजार से लेकर लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। चाहे श्रद्धालुओं की संख्या ने कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए, मेरे यहाँ बनने वाले प्रसाद में कभी कमी नहीं आती। मेरे यहाँ तैयार होने वाले प्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोईये और 300 सहयोगी दिन रात लगे रहते हैं। इससे आप मेरी इस रसोई की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज मैं आपके सामने मेरे से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा, साथ ही मेरे से जुड़ी हर वो छोटी बात आपके साथ साझा करूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के चमत्कार और मुझ पर हुए आक्रमणों के बारे में भी बात करूंगा। मेरे यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। मेरे यहाँ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के मेरे इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज के समय का विज्ञान जगत भी पता नहीं लगा पाया है। मैं प्राचीन वास्तुकला एवं शिल्पकला का अनूठा उदाहरण हूँ। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चार धामों का विचरण करते हैं तब सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। अगर मैं मेरी वास्तुकला की बात करूं तो मैं भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर हूं। मैं अपनी उत्कृष्ट उड़िया वास्तुकला से प्रसिद्ध हूं। मैं तकरीबन 4 लाख वर्ग के क्षेत्र में फैला 2 आयताकार दीवारों से घिरा हुआ हूं। मेरी बाहरी दीवारों को मेघनाद पचेरी कहा जाता है। यह दीवारें 20 फीट ऊंची हैं। समुद्र को कोरुम बेदा कहा जाता है। वह मुख्य मंदिर को घेरता है। मुख्य मीनार या शिखर दूसरे बने हुए शिखरों की तुलना में अधिक ऊंचा है, जिसमें देवताओं का घर है। मेरे में 4 अलग अलग संरचनाएं हैं, जिसको विमान जगमोहन या पोर्चा नाटा मंदिर और एक पंक्ति में निर्मित भोग मंडप कहा जाता है। मेरे यहाँ 4 द्वार हैं, जिसको पूर्वी सिंह द्वार यानी शेर द्वार, दक्षिण अश्व द्वार यानी घोड़ा द्वार और उत्तरी हस्ती द्वारा यानी हाथी द्वार है। लायन गेट ग्रैंड रोड पर स्थित प्रमुख द्वार है। मेरे इस परिसर में कई मंदिर स्थित हैं। इसके साथ साथ मेरे शीर्ष पर एक पहिया जिसको नीला चक्र या नीला पहिया कहा जाता है। नीला चक्र अलग अलग धातुओं से बना और हर दिन इसी चक्र पर नया झंडा फहराया जाता है। मैं अपनी शानदार चमक के साथ आपको शास्त्रीय युग में ले जा सकता हूँ। मेरे में बजती घंटियां, 65 फीट ऊंची अद्भुत पिरामिड संरचना, हर एक जानकारी से खोदी उत्कीर्ण दीवारें, भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रण करते स्तंभ, ये सब और अन्य कई कारक हर साल लाखों श्रद्धालुओं को मेरी ओर आकर्षित करते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ के मेरे इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे आज के समय का विज्ञान जगत भी पता नहीं लगा पाया है। मैं प्राचीन वास्तुकला व शिल्पकला का अनूठा उदाहरण हूँ। दोस्तों, अगर मेरे निर्माण कला की बात करूं तो मेरा निर्माण गंग वंश के शासक और कलिंग के महाराजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने शुरू करवाया था।
मंदिर परिसर में स्थित जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंत वर्मन के शासनकाल में 1078 से 1148 के दौरान किया गया था। राजा अनंत वर्मन के बाद 1197 के आसपास ओडिशा के शासक अनंग भीम देव ने मेरे निर्माण कार्य को पूरा करवाया। मेरे यहाँ 1558 तक पूजा की जाती थी। उसके बाद अफगानिस्तान से आए विदेशी आक्रमणकारी जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा में स्थित मंदिर को तोड़ना और खंडित करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके सारे मंदिर खंडित कर दिए या उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे मंदिर के पुजारियों ने भगवान के विग्रहों को बचाने के लिए पुरी के पास में स्थित चिलिका झील में एक द्वीप पर छुपा दिया। अफगान आक्रमण के कुछ समय बाद राजा रामचंद्र देव ने पुणे से क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। राजा रामचंद्र देव के शासनकाल में ही मेरी पुनर्स्थापना की गई और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी की पूजा को फिर से शुरू किया गया। मेरे उन्हीं पुजारियों राजा रामचंद्र देव की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। अब मैं आपको एक एक करके मेरे उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको भी लग जाएगा कि यहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की आस्था जिस तरह पूरे विश्व में फैली हुई है, उसी तरह ही मेरे यहाँ के रहस्य भी विश्वविख्यात हैं। मेरे मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माणित या निर्मित किया गया है। इसको पूरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ओर है। अब ये कैसे संभव है, आपके दिमाग में कोई युक्ति आ रही है तो जरूर बताइएगा। मेरा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज एक और रहस्य भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिल उल्टा चढ़कर बदला जाता है। और ऐसी मान्यता है, अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। मेरे यहां पर स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पात्र सबसे ऊपर जो रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे वाले बर्तन में भोजन बनकर सबसे बाद में तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ पर रोजाना 20,000 से 30,000 लोगों को प्रसाद मिलता है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ जाए। आपको बता दूं, मंदिर व मस्जिद के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर मंदिर के गुंबद पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। मेरे ऊपर इर्द गिर्द भी पक्षी नहीं उड़ते, यहाँ तक कि मेरे ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। मैं दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर हूँ। मेरी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और मैं 4,00,000 वर्ग फीट में फैला भव्य मंदिर हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरे गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी जमीन पर नहीं आती है। मेरी एक और विचित्र बात यह कि समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज अचानक से गायब हो गई है और जैसे ही इस द्वार से एक कदम बाहर निकालोगे तो आवाज फिर से दोबारा आने लगेगी। है ना आश्चर्य की बात, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ये रहस्य भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि ऐसा क्यों होता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कास्ट की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है।
आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्ति बनाने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। मेरे मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता कर दी जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नव कलेवर कराया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्ति में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया यूं ही चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। अगर आप देखोगे तो मेरे मंदिर में स्थापित मूर्तियां आधी बनी हुई हैं, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं है। इसके पीछे के पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है। मान्यता है कि पूर्व में भगवान नील माधव स्वयं नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न जब यहां पर भगवान के दर्शन हेतु आए तब भगवान नील माधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा के विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी है मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छिपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र पर तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी मूर्ति से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां पर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा प्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें तीन अधूरी मूर्तियां वैसे ही पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करा दिया। तब से लेकर
आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। पांच पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पड़ाव का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो पांच पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने मेरे इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं ज्यादा था। महाराजा रणजीत सिंह ने अंतिम दिनों में ये वसीयत भी की थी कि विश्व में अब तक की सबसे मूल्यवान और सर्वाधिक बड़ा कोहिनूर हीरा मैं इस मंदिर में दान करूंगा, लेकिन यह संभव न हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनके सभी शाही संपत्ति को जब्त कर लिया था, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। मेरे पश्चिम दिशा में है बेड़ी हनुमान मंदिर। यह जंजीर से बंधा एक हनुमान मंदिर है और समुद्र तट के नजदीक स्थित एक छोटा सा मंदिर है जो पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिम दिशा की ओर बना है। इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहा जाता है। दरिया का अर्थ होता है समुद्र, जो महावीर भगवान हनुमान का दूसरा नाम है। यह वर्णन कुछ पुराणों में भी मिलता है कि पुरी धाम की सदियों से रक्षा भगवान हनुमान करते हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी उन्हें भगवान जगन्नाथ ने सौंपी है। श्री जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी भाग में भी हनुमान महाप्रभु के रक्षक के रूप में विराजमान है। भगवान हनुमान के इस रूप को चारी चक्र और अष्टभुजा हनुमान कहते हैं। चारी चक्र का मतलब हुआ हनुमान सुरक्षा की खातिर चार चक्र को धारण करते हैं। अष्टभुजा यानी वो हनुमान जो आठ भुजाओं से युक्त है। हनुमान जी के चार हाथ में सुदर्शन चक्र, दो हाथ प्रणाम की मुद्रा में और दो हाथ से तालियां बजाते हुए भगवान जगन्नाथ के नाम की निरंतर स्तुति करते हैं। इसी प्रकार बाकी दो दिशाओं में भी भगवान हनुमान का यह प्राचीन मंदिर है जो महाप्रभु के रक्षक के रूप में विराजमान है। कहते कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब हनुमान भी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। तब से हनुमान जी करते हैं श्री जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। मेरे ऊपर 9वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का कुल 18 आक्रमण हुए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन सभी आक्रमणों को सहने के बाद भी आज भगवान की सेवा में खड़ा हूं। अब मैं आपको मेरे यहाँ होने वाले त्योहारों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जब भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आओ तो आप इन त्योहारों का भी मजा ले सको। पूरी रथ यात्रा मेरे यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इसको कार महोत्सव या गुड़िंचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की तीन मूर्ति को पुरी की मुख्य सड़क बड़ा डंडा से गुड़िंचा मंदिर तक विशाल रथों में ले जाया जाता है। 9 दिन के बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है। वह स्थल से वापसी यात्रा को बहुदा यात्रा भी कहते हैं। उसका आयोजन भी रथ यात्रा की तरह होता है। भगवान के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुड़ती है। चमकीले रंगों से सजे देवी देवताओं को देखना बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है और इस समय मेरा मन गदगद हो जाता है। मन करता है कि भगवान को बस निहारता रहूं। अब बात करते हैं स्नान यात्रा की। ये त्योहार में पूर्णिमा के दिन देवताओं को स्नान कराया जाता है और बाद में भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है और जुलूस में स्नान वेदी तक ले जाया जाता है। स्नान यात्रा का यह त्योहार मई या जून में आयोजित होता है। चंदन यात्रा, यह त्योहार का आयोजन अप्रैल और मई में होता है। चंदन यात्रा 21 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। उसके दौरान 5 शिव मंदिरों से शिव की छवियों के साथ देवताओं को एक जुलूस में नरेंद्र टैंक ले जाया जाता है। वह मूर्तियों को खूबसूरती से सजाए नए नावों में रखा जाता है और भगवान की पूजा की जाती है। डोला यात्रा, डोला यात्रा का यह त्योहार फागुन के महीने में आयोजित होता है। मंदिर के देवताओं को एक जुलूस में ले जाया जाता है और जो मुख्य मंदिर के बाहर स्थित है और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का यह पर्व पौष मास में मनाया जाता है। मंदिर के सभी देवताओं के लिए विशेष वस्त्र बनाए जाते हैं
उसके पश्चात उबले हुए चावल में कैंडी और फलों का रस मिलाकर देवताओं को भोग चढ़ा जाता है। ये पर्व में कृषि महत्व अधिक है। मैं सप्ताह के सातों दिन खुला रहता हूँ। मेरे इस मंदिर की पूजा एवं रस्म प्रणाली बड़ी विस्तृत है और अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर में सैकड़ों पंडे और पुजारी मौजूद हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए ये बता दूं कि मैं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन के लिए खुलता हूँ। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले द्वारका पीठ और मंगला आरती होती है। उसके बाद सुबह 6 बजे मैलम होता है। भगवान जगन्नाथ के कपड़ों और फूलों को हटाने को मैलम कहा जाता है। इस समय कुछ विशेष सेवक पिछली रात पहनाई गई भगवान के शरीर से कपड़े, तुलसी के पत्ते और फूलों को हटाते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में गोपाल बल्लव पूजा होती है, जिसमें भगवान को नाश्ता कराया जाता है, जिसमें दही, स्वीट, पॉपकॉर्न, खोआ, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह 11 बजे मध्यान्ह धूप पूजा होती है। इसमें सुबह की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस समय जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु को 10 रुपए का टिकट देना पड़ता है। सुबह मंदिर खुलने से लेकर रात में मंदिर बंद होने तक इसी प्रकार पूरे दिन अलग अलग तरह की पूजा और आरती होती रहती है। शाम के समय मंदिर में भोग और प्रसाद का वितरण होता है। अगर आप पुरी घूमने आना चाहते हैं तो पुरी का मौसम समुद्र के कारण बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ सुखद सर्दियां, गर्म और आर्द्र मौसम के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी अक्टूबर से अप्रैल तक की अवधि को पुरी यात्रा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पुरी बीच की सफेद रेत अक्टूबर से अप्रैल तक पर्यटकों को खूब लुभाती है। इन महीनों के दौरान आप यहाँ आने की योजना बना सकते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचना बहुत आसान है। इसके आसपास के शहरों जैसे ओडिशा और भुवनेश्वर से भी यहाँ पहुंचने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आइए जानते हैं पुरी कैसे पहुंचे। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बस, टैक्सी या कार बुक करके पुरी पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो पुरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक टर्मिनस है, जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद, तिरुपति आदि के साथ सीधी एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें कोलकाता पुरी हावड़ा एक्सप्रेस, जगन्नाथ एक्सप्रेस, नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आदि हैं। पुरी से 44 किलोमीटर दूर खुर्दा रोड स्टेशन चेन्नई और पश्चिम भारत के लिए ट्रेन का सुविधाजनक रेल मार्ग है। स्टेशन शहर से लगभग एक किसी उत्तर में है। इसके बाद रिक्शा और ऑटो रिक्शा से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो गुड़िंचा मंदिर के पास बस स्टैंड है, जहां से पुरी जाने के लिए बसें मिलती हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कटक से भी बस द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। कोलकाता और विशाखापट्टनम से भी पुरी के लिए कई बसें चलती हैं। दोस्तों, ये थी भारत के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की कहानी, जिसमें आपने इसके इतिहास से लेकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। भारत में इतने रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर हैं, जहां भगवान का चमत्कार साक्षात देखने को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही धर्म के लोग भगवान को एक काल्पनिक मानते हैं और उसी वजह से हिंदू के भगवान को उनके घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे चमत्कारी मंदिर होने के बावजूद विश्व के आश्चर्य में इनको कोई स्थान नहीं मिलता। आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए और इसकी प्रसिद्धि के बारे में सबको जरूर बताना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही अन्य वीडियोस भी समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।